नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके उपस्थित हुआ हूं ये कुंडली एक व्यक्ति की है आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं आप इस जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए इसके पश्चात हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे जन्म की तारीख है 25 अप्रैल 1970 और जन्म का समय है दिन में ग्यारह बजकर के तीस मिनट जन्म स्थान अलीगढ़ उत्तर प्रदेश कुंडली का निर्माण करिए यही कुंडली आप सबके सम्मुख बनकर के आएगी कर्क लग्न की कुंडली और यह राशि अगर देखें तो वृश्चिक जल तत्वी लग्न और जल तत्वीय राशि शनिवार के दिन इन्होंने जन्म लिया वैशाख मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी को ज्येष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में ब्राह्मण वर्ण राक्षस गण वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है और मंगल इस राशि के राशि होते हैं प्रिय दर्शकों इनकी जन्म कुंडली पर आइए कर्क लग्न कैसा है ये लग्न कर्क केकड़ा प्रभावी है बल्कि मैं तो कई बार यह तो कह देता हूं कि पिछले जन्म का कुछ अच्छा कर्म भी है क्योंकि बेहद भावुक और भावना प्रधान मुझसे पूछते हैं लोग कि मेरा जन्म किस लिए हुआ तो कर्क लग्न वालों के लिए मैं कहा करता हूं कि निसंदेह इस दुनिया को प्रेम सिखाने के लिए आ पाए हैं सबके साथ मिलजुल करके कैसे रहा जा सकता है सबके काम कैसे आया जा सकता है प्रेम बांटा कैसे जा सकता है औरों के लिए अपना नुकसान कैसे किया जा सकता है यह तो आप ही से सीखा जा सकता है भावुक होते हैं भावना प्रधान होते हैं हालांकि ये राक्षस गण के हैं तो ये चीजें थोड़ी कम कम इनके अंदर होंगी लेकिन ब्राह्मण वर्ण के हैं तो चीजें होंगी ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी अब वृश्चिक राशि है इनकी तो वृश्चिक राशि का जो पचास प्रतिशत स्वभाव है मैं यहाँ पर वो कहूँगा घुटने वाला होगा यहाँ पर वृश्चिक राशि का वो स्वभाव कम ही देखने में आएगा कि मरने मारने पर उतारू होने वाला होगा या राक्षसगण के होने के कारण मैं यहाँ कहूंगा जहाँ तक घुटेगा गम खाने वाले कहते हैं दो शब्द कम थोड़ा खाना कम और दो गम खाने वाला तो कहते हैं गम खाने वाला ये जातक होगा अब देखिए तो लग्नेश का जाकर के कुंडली के पंचम में पंचमेश का जाकर के जन्म कुंडली के लाभ में और लाभेश के साथ ही बैठना धनेश सूर्य का जाकर के जन्म कुंडली के दसम भाव में बैठना उच्च राशि में ग्यारह अंश दस कला के साथ हालांकि आपको एक बात बता दूं कि चलित में अगर आप जाकर के देखें तो चलित में केवल सूर्य ही दशम का फल दे रहे हैं बाकी के ये जो दो ग्रह हैं बुध और शनि ये लाभ का फल दे रहे हैं तो सूर्य इनकी जन्म कुंडली में षडबल में सबसे बलवान है क्योंकि दिग्बलि है पहले तो ग्यारह बजकर के तीस मिनट का जन्म है इनका दूसरा अगर देखें तो ये सूर्य देव गुरु बृहस्पति से दृष्ट हो जा रहे हैं उच्च की राशि में होने के कारण इस कुंडली में सर्वाधिक बलि इनके सूर्य हैं और द्वितीय पति बनकर के जाकर के दशम में बैठे हैं सूत्र कहता है कि ऐसा जातक एक ऐसे परिवार में जन्मा हो जहाँ खाने के लिए न हो तब भी ऐसा जातक अपने बल पर एक सुखद जीवन जिसे शास्त्र कहता है राजा अथवा राजा के समतुल्य अपना जीवन बना लेता है अच्छी स्थिति अब इसके बाद हम आगे बढ़ें तो इनकी जन्म कुंडली में भाग्य भाव का जो स्वामी है देवगुरु बृहस्पति जाकर के जन्म कुंडली के चतुर्थ में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाकर के बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति का वक्रत्व भी कोई विशेष नुकसानदेह नहीं होगा अब यहाँ शनि की दृष्टि पड़ रही है गुरु पर और एक और चीज़ आप गौर करिए तो सूर्य शनि इधर ने और इधर राहु ने भाग्य भाव को पाप पापकर्तर योग में डाला है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा जातक को कई बार पिता के सुखों से भी वंचित कराने वाला ये बनता है जातक की धार्मिक रुचियों को भी एक क्षति पहुंचाता है कई बार लग्न के जातक मूलतः धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं धर्म होते हैं लेकिन ये नुकसान पहुंचाने की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है शुक्र मंगल की युति जिसकी दृष्टि पंचम पर पड़ रही है कई बार मन के भटकाव की ओर भी इशारा ये करा देता है देव गुरु बृहस्पति के बारे में आप लोग सबों को मैंने अपने कार्यक्रमों में कई बार कहा कि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में देव गुरु बृहस्पति हो तो समझ लीजिए ऐसा जातक अपने पूर्वजों में से ही लौट करके यानी उसी घर में पहले था मृत्यु के पश्चात पुनः उसी घर में लौट आया है ऐसी संभावना बनती है तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जन्म कुंडली अच्छी है इनकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में केतु को आकस्मिक धन प्रदायक माना गया है बढ़िया है इनके प्रश्न जरा सुनिए ये इनका प्रश्न इनके लिए है कि अच्छा ये प्रश्न पूछने वाली इनकी श्रीमती जी हैं उन्होंने पूछा है कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में टीचर है ये इनके बारे में जानकारी आप कर लें सूर्य इनका बलि है तो सीधी सी बात है सरकारी नौकरी में होना बेहद स्वाभाविक कर्क लग्न के बारे में मैं सदैव कहा करता हूँ किस लग्न के जातक नौकरी करने के लिए ही जन्मे हैं अब एक पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न सुनिए इनका प्रश्न है कि इनके बाएं हाथ की जीवन जीवन रेखा टूटी हुई है दाएं हाथ में पूर्ण है इनकी आयु के बारे में बताइए हाई बीपी की बीमारी है पेट संबंधी समस्या भी बनी रहती है किसी गंभीर बीमारी के योग तो नहीं है बड़ा गंभीर प्रश्न है और इसको समझने की आवश्यकता है हस्तरेखा शास्त्र यानी सामुद्रिक शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो जो रेखा बाई हाथ में बनी हुई है वही सेम स्थिति अगर दाहिनी हथेली में भी घटित हो रही है हथेली में घटित हो रही है वही ठीक बाई हथेली में भी घटित हो रही है तो उस घटना के संपूर्णतः घटित होने की यह सूचना है अब बाई हथेली में जीवन रेखा टूटी हुई है अब इन्होंने कहा है कि दाहिने हाथ में पूर्ण है क्या ये पूर्णतः अनुभव के साथ उस पॉइंट को पिकअप कर पाई है देख पाई है कि दाहिने हाथ में जिस जगह पर बाएं हाथ में जीवन रेखा टूटी हुई है बाएं हाथ में उस दाहिने हाथ में उसी पॉइंट पर कोई बिंदु या कोई क्रॉस या कोई और अन्य चिन्ह तो नहीं है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं देखिए मेरा उद्देश्य डराना नहीं समझाना है हथेली के किसी भी रेखा से चूंकि जैसा इनका प्रश्न है उसके हिसाब से तो ये शास्त्रीय जो रूल कहता है कि दाहिने हाथ में पूर्ण रेखा हो और बाई हथेली में जीवन रेखा टूटी हुई हो तो ये अस्वस्थ रहने की सूचना है जीवन के उस पड़ाव पर मैंने बहुत पहले जब सामुद्रिक शास्त्र से संबंधित कुछ पॉइंट बताए थे तो ये दस दस साल की अवधि कैसे निकालनी है उसके बारे में समझाया था उस वीडियो में तो वो उम्र के किस पड़ाव पर वो पॉइंट आ रहा है बाएं हाथ में उसी पड़ाव पर जाकर के कोई विशेष भयंकरतम रोग की ये सूचना है परंतु अब जरा पॉइंट पर आइए इनकी जन्म कुंडली में वर्तमान समय में मंगल की दशा चल जो कि इस लग्न के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं परंतु इसके पश्चात राहु की दशा आएगी जो कि इस जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं गौर करिए कि इनकी कुंडली में शनिदेव अष्टमेश बनकर के जाकर के जन्म कुंडली के दशम में बैठे हैं नीच राशि में प्वाइंट वन शनिदेव ही आयु के कारक हैं पॉइंट टू लग्नेश इनकी कुंडली में नीच राशि में प्वाइंट थ्री बुद्ध जो कि आठवें से आठवां आयु भाव के स्वामी होने के कारण वो भी अट्ठाईस पर मृत अवस्था में पॉइंट डिस्टर्ब कर रहा है मैंने जब इस कुंडली और इस प्रश्न को पहले ही मिलाया तो मेरे दिमाग ने कहा यह तो कहीं ना कहीं परेशानी की सूचना है यह ठीक नहीं है मैं फिर वही बात कहना चाहता हूं मैं डराने के लिए नहीं समझाने के, के लिए कहना चाहता हूं कि हां स्वास्थ्य पर असर आने वाले दिनों में राहू की दशा है राहु इनकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और इन्हीं की दशा आने जा रही है कर्क लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली के लिए राहु को बहुत कारग्र हम नहीं कहेंगे 25 तक मंगल और उसके पश्चात राहु आ जाएंगे बहुत सचेत सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है अगर आयु पर खतरे को हम दिमाग से हटा भी दें तब भी कही न कहीं ना कहीं दीर्घकालिक रोग की ओर डाल देगा तो बहुत सतर्क और सावधान रहना है इनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा आगे मैं बता देता हूँ भगवान की आराधना करें और संभव है कि गंभीर आपने पूछा भी है कि कोई गंभीर समस्या मैं गंभीर समस्या तो आयु से ही संबंधित देख रहा हूं स्वास्थ्य से भी संबंधित लेकिन फिर कहना चाहता हूं क्योंकि वीडियो अकेले आपके लिए नहीं मैं सबके लिए बना रहा हूं तो सभी लोग सुने ये डराने के लिए नहीं कई बार परिस्थितियों को अगर दिख रहा हो मैच हो रहा हो तो समझाने में कोई बुराई नहीं है उसको बिल्कुल हम अछूता छोड़ के हट जाएंगे तो भी सामने वाले को गफलत में ही रखेंगे या समझा जाए तो सामने वाले को कहीं ना कहीं हम सारी बात उसको नहीं बताएंगे तो इतना बताना आवश्यक है कि कुछ लक्षण बाएँ हाथ में दिख रहा है और कुछ यहां भी उस पॉइंट सिद्ध हो रहा है तो सावधानी जरूरी है आगे इन्होंने खुद ही पूछा है कि राहु की महादशा कैसी रहेगी वृद्धावस्था कैसी व्यतीत होगी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति का सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं द्वितीय भावपति दशम में सूर्य अत्यंत बली है

हालांकि आयु का विभाग बिल्कुल उनके पास नहीं है परंतु वो सेल्फ निज प्राण के कारक हैं और बैठे तो वो शनि नीच के शनि के साथ है जो कि मृत्यु का कारक है थोड़ा डिस्टर्ब तो वो हो रहे हैं पर फिर भी कहीं ना कहीं ये इस दोष को अगर कम कर दें तो एक कारण बन सकता है लेकिन हाँ इस कुंडली में आने वाले दिनों में स्वास्थ्य और आयु से संबंधित परेशानी दिख रही है धन की कोई समस्या नहीं वृद्धावस्था का विचार जन्म कुंडली के चतुर्थ से होता है इसके स्वामी जाकर के शुक्र भाव में स्वगृही बैठे हैं डिग्री वाइज वो तीन अंश पर होने के चलते मृत अवस्था में, में है परंतु स्वगृह में है फलतः सडबल में वो दूसरे बलि दिखाई पड़ रहे हैं मुझे तो मैं कह सकता हूं कि वृद्धावस्था ठीक है वृद्धावस्था को लेकर के चिंता नहीं क्योंकि राहु की महादशा पार हो जाती है इसके पश्चात गुरु की दशा आएगी और जो तो शास्त्र का कथन है कि जीवन के अंतिमावस्था में वृद्धावस्था में देव गुरु की दशा का आना अत्यंत श्रेष्ठ है गुरु इनके चतुर्थ में बैठे हुए हैं सो मैं समझता हूं कि वृद्धावस्था ठीक है उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जी के साथ पैतृक घर में रहते हैं उनकी इच्छा है कि इसी घर में रहते रहें इसीलिए अभी तक अपना घर नहीं बनाया इस घर में दो भाइयों का भी हिस्सा है क्या अपना घर बनवाने का योग है अगर है तो कब तक ये निर्भर करता है मंगल की दशा अभी भी इनकी कुंडली में चल रही है मंगल इनकी कुंडली में देखा जाए तो दसमेश होकर के और साथ ही साथ इस कुंडली के पंचमे कर के जाकर के लाभ भाव में बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव से ही विचार किया जाता है चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव में देव गुरु बैठे हुए हैं निर्भर करता है इनके ऊपर जब ये बनाना चाहे बना सकते हैं घर बनाने के लिए कोई चिंता नहीं मैं मंगल की दशा जब पच्चीस तक चल रही है चाहे तो इसी दौरान बना ले यहां तक कि राहु की दशा में भी घर बनवाने को लेकर के मैं कोई बहुत डिस्टर्बेंस तो नहीं देख रहा हूं घर हो जाएगा घर को लेकर के चिंता नहीं है वैसे पिता के साथ रहने में कोई बुराई नहीं क्योंकि शनि इनकी कुंडली में नीचरासी में बैठ करके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं और संभव है कि अपना स्वयं का ये घर बनवाएं तो पिता से भी दूरी हो घर गर, गृह कलह की स्थिति हो तो जब तक पिता जीवित हैं पिता हैं पिता के साथ रहना उनका आशीर्वाद भी मिल रहा है वही अच्छा है आगे इन्होंने पूछा है पुत्र संतति है संतान के साथ संबंध कैसे रहेंगे वृद्धावस्था में संतान के साथ रहना उचित होगा या अलग ये प्रश्न गंभीर है क्या कहता है सनातन धर्म संतान के साथ रहना चाहिए प्रिय दर्शकों यहां एक बड़ा गंभीर पॉइंट है और उसे मैं आप सबों को समझाना चाहता हूं बूढ़ा जो बूढ़े लोग होते थे पहले गांवों में वो कहानियां सुनाया करते थे और कहानी सुनाने के बाद अंत में कहते थे कि कथा गया वन में सोचो अपने मन में तो कथा वन में क्यों जाता है यह प्रश्न खड़ा हो जाता है कि कथा को वन में जाकर के क्या मिलता है असल में अरण्य से ही कथा का प्रादुर्भाव होता है प्रादुर्भाव अरण्य से ही होता है हमारी सनातन की जो सभ्यता और संस्कृति है वो अरण्य में ही है जंगल में ही है हमारी जो ये सभ्यता है संस्कृति है वो कथा से बहुत हद तक जुड़ी हुई है इतिहास से बहुत हद तक जुड़ी हुई है हमारी संस्कृति और इतिहास अरण्य में ही है सनातन धर्म को अगर समझना है तो जरा पशु पक्षियों को देखिए गाय को देखिए मैं तो हमेशा उदाहरण गाय का दिया करता हूँ गाय शब्द का अर्थ किसी व्यक्ति को अगर ये बताना हो कि व्यक्ति बड़ा सीधा है फलाने बड़े सीधे हैं तो कहते हैं लोग कि फलाने तो गाय हैं अर्थात बेहद सीधे हैं लेकिन वो गाय जब बछड़े का जन्... को जन्म देती है तो बेहद उग्र हो जाती है जब उस बछड़े के कोई करीब आए तो मारने दौड़ती है जबकि गाय का यह स्वभाव नहीं है वो उसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है वो मारने तक को दौड़ जाती है जिसका स्वभाव ही मारना नहीं है नाम ही जिसका सीधा है और एक वर्ष बीतते बीतते एक वर्ष तक खूब दूध पिलाती है और एक वर्ष के बाद आसपास भी नहीं फटकने देती यही संस्कृति यही सनातन है और यहीं पर आकर के मनुष्य जो है जो कि सोचता है जिसके पास विवेक है फंस जाता है वो दिमाग लगा देता है और फिर बारी आती है उसके बेइज्जत होने की वृद्धावस्था में उसके दुख सहने की जीवन भर जिसको पाला पोसा जिसके लिए जान दिया उससे लात खाने की आपने जो प्रश्न पूछा है उसी पर ये पॉइंट उत्पन्न हुआ क्यों रहना हो सकता है हर किसी के मन में उत्पन्न हो लेकिन क्यों रहना जब प्रकृति ने आपके पास भी वही दो हाथ पांव दिए हुए हैं तो वृद्धावस्था जैसे बाल्यावस्था में उस बच्चे आप हमेशा यह ध्यान रखिएगा बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए आपके घर में जो बच्चा आया हुआ है जन्म लिया हुआ है आप उसको जन्म देने वाले केवल उसके माध्यम हैं आप उसके जन्मदाता या उसके भाग्य विधाता कुछ भी नहीं है एक माध्यम प्रकृति ने आपको चुन लिया है आप वो माध्यम है जन्म देना जीवन मरण यश अप नहीं है उसके कुछ भी बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए इस बात को तो जब वो आपके घर में आया जबकि वो कुछ नहीं अपने से कर सकता था बहुत छोटा बालक था तो उसकी रक्षा है कौन आया आप आए आप आ गए प्रकृति ने आपको चुन दिया वैसे ही जब वृद्धावस्था की आएगी आपको किसी सहारे की आवश्यकता पड़ेगी तो विश्वास रखिए अगर आपका बच्चा आप उसको साथ या उसके साथ नहीं है कई बार ये डर बना रहता है कि कौन हमारी देखरेख करने वाला होगा कौन यही प्रश्न तो आपकी समस्या और हमारी समस्या है इसी प्रश्न में तो हम उलझ जा रहे हैं और अपनी इस संस्कृति को भूल जा रहे हैं जब वो समय आएगा तो रक्षार्थ को या जाएगा जब प्रकृति वृद्धावस्था दिखाने के मूड में होगी तो वो सुरक्षा की रास्ते भी बना देगी उसकी चिंता आप क्यों करते हैं वो चिंता उसको करने दीजिए जिसके ऊपर आपकी चिंता है तो क्या जरूरत है कि आपको वृद्धावस्था में हां कैसा संबंध रहेगा संतान भाव पति इनकी कुंडली में जाकर के भाव में बैठकर के संतान भाव को देख रहे हैं देवगुरु बृहस्पति का होना अत्यंत श्रेष्ठ ये संतान कारक है संतान भाव के स्वामी मंगल अपने ही घर को देख रहे हैं पर फलतः है, संतान के साथ इस कुंडली में संबंध खराब तो मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता पर फिर भी इस प्रश्न को मैं आपके साथ साथ सभी के लिए कहना चाहता हूं कि दिमाग से निकाल दें संतान के साथ रहना संतान के माथे का बोझ बने रहना क्यों क्या जरूरत है हां अगर आपकी संतति स्वीकार करती है तो फिर मैं वही बात कहूंगा कि अगर आपकी संतति अब मान लिया जाए कि आपकी संतति की बेहद चाह है कि वह आपके बिना नहीं रह सकता और आपको अपने साथ रखना चाहता है तो बस यही मान लीजिएगा कि प्रकृति की यही चाह चाह चाहना है प्रकृति यही चाहती है कि इसी के हाथ आपका वृद्धावस्था प्रेम से गुजर जाए और अगर प्रकृति नहीं चाहती है तो स्वीकार कर लीजिएगा जो वो चाहे उसके लिए क्यों पहले से टेंशन लेना है सभी की बहुत मदद करते हैं लेकिन नौकरी में लोगों से शत्रुता बनी रहती है शत्रुओं से कोई नुकसान तो नहीं होगा इस सवाल का जवाब दिया था कि वो बनी ही रहेगी लेकिन शत्रुता क्यों बनी रहती है मुझे लगता है इसके पीछे कहीं ना कहीं के द्वितीय भाव का कारण बन रहा है मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है द्वितीय भाव से भी वाणी का विचार होता है और देखा जाए तो पंचम से भी द्वितीय भाव के स्वामी जाकर के बैठे हैं कुंडली के दशम में थोड़ा सा इनको कहिए कि वाणी पर अपने नियंत्रण रखें और कम से कम कड़वी वाणी का प्रयोग करें ये दिल के बहुत अच्छे हैं सबकी मदद भी करते होंगे लेकिन बस वही वाणी वाणी ही इनकी सबसे बड़ी शत्रु बन जाएगी तो सबसे पहला काम इस पर करें कि अपनी वाणी से किसी को शत्रु ना बनाएं ऐसा कोई काम ही ना करें जिससे लोग इनके शत्रु बन जाएं देखिए इस कुंडली को मैं फिर से एक बार आप सबों समु के सम्मुख रख रहा हूं इस कुंडली में आप जितने भी प्लस या माइनस पॉइंट देख रहे हो उसमें अगर आप मुझसे पूछे कि क्या कोई एक पॉइंट तो सिर्फ वो एक पॉइंट सूर्य है इस एक पॉइंट पर ही पूरी कुंडली का फलादेश और इनका जीवन चल रहा है तो फिर बाकी के ग्रह का कोई मतलब नहीं सपोर्ट में जब राजा ही केंद्र में है तो बाकी के सभी ग्रह चाहे वो मंत्री हो चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो दास हो सब सपोर्ट में हो जाएंगे सूर्य शनि की युति है तो फलतः देखा जाए तो कई बार ये युति संभावना इस बात की बना देती है कि कार्यक्षेत्र में भी बहुत अच्छा करने के बावजूद क्रेडिट नहीं मिलता अच्छी बात तो यह है कि देखिए आपके पिता अपने साथ इनके पिता इनको अपने साथ ही रखना चाहते हैं तो पिता के साथ रहना ये भी रहना चाहें और उनकी सेवा करना चाहें कहीं इस कारण तो ये उम्मीद नहीं बांध लिया कि हम कर रहे हैं तो हमें भी लौट के मिले कभी नहीं भूल के भी ये उम्मीद मत रखिए बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है ना उम्मीद हो जाना मुंह त्यागना है आवागमन से मुक्ति चाहिए तो ना उम्मीद होना बेहद आवश्यक है नित्य सूर्य को अर्घ देते हैं हनुमान चालीसा अच्छा इन्होंने अंतिम में जो पूछा था शत्रुओं से कोई नुकसान तो नहीं होगा शत्रु भाव का मालिक जाकर के चतुर्थ में बैठे हुए हैं छवि को धूमिल कर सकते हैं ये जनता का भाव है इस इसवर शनि की दृष्टि पड़े सूर्य शनि के साथ हैं चतुर्थ पति जाकर सबसष्ठ पति जाकर के चतुर्थ में बैठे हैं लेकिन चूंकि ये मजबूत स्थिति में है फलतः बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा राहु की भी दृष्टि है तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो इनकी छवि को धूमिल किया जा सकता है पर कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता ित्य सूर्य को वर्घ देते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं नीच के शनि का क्या प्रभाव रहेगा कौन सा रत्न धारण करना चाहिए सबसे पहले तो सूर्य को वर्घ देते हैं इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं हनुमान जी इनके इष्ट देवता है इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता अगर इनकी चंद्र कुंडली का निर्माण किया जाए तो चंद्र कुंडली के निर्माण में आप देखेंगे कि छठे भाव में तीन ग्रह बैठे हैं सप्तम में मंगल शुक्र की युति है तो छठे भाव में जो तीन ग्रह बैठे हैं जहां पर सूर्य और शनि के होने के कारण शत्रुहनता योग है तो शत्रुओं से तो कोई नुकसान नहीं है बारहवें भाव में देव गुरु बृहस्पति आपको चंद्र कुंडली में दिखाई पड़ेंगे तो बारहवें भाव में देव गुरु बृहस्पति का हो जाना इस बात की सूचना है कि जातक को जीवन काल में धार्मिक कृत्य करनी चाहिए धार्मिक कृत्य करना चाहिए धर्म में ही अपने खर्चे लगाए धर्म में ही व्यय करे भगवान की आराधना ऑलरेडी कर रहे हैं सूर्य को अर्घ्य देना हनुमान चालीसा का पाठ करना विशेषकर सुंदरकांड का पाठ करना ये बहुत बढ़िया है नीच के शनि के लिए आपको कुछ नहीं करना मैं प्रत्येक जब भी शनि त्रयोदशी शनि अमावस्या इत्यादि जब भी आता है तो मैं आपको बताया करता हूँ कि शिव जी के अर्घे में इस हाथ को लगा करके सरसों तेल डालना है ये कराना कर, शुरू करिए इनकी जो राशि है वृश्चिक इस राशि को भी तुरंत अभी ढाई महीने के लिए शनिदेव परिवर्तित हुए थे राशि से कुंभ राशि में जब वक्र अवस्था में चले गए थे तो यहाँ कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनके लिए ढैया की शुरुआत हो चुकी थी है ही अभी भी जारी है बारह जुलाई को ये परिवर्तित होंगे तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मानसिक अशांति और परेशानी से बचाव का एकमात्र यही उपाय है हनुमान जी की आराधना सुंदरकांड का पाठ ये कभी भी बंद ना करें ये करते रहेंगे सुरक्षित रहेंगे और बाकी धनुवन की इस कुंडली में कहीं कोई समस्या नहीं कहीं कोई दिक्कत मुझे दिखाई नहीं पड़ती भूमि भवन वाहन इन सुखों में कोई कमी दिखाई नहीं पड़ती स्वास्थ्य का ख्याल रखना है वो बेहद आवश्यक है छायादान इनसे कराइए हर तीन महीने में या एक एक महीने में तो कहूँगा कि हर माह एक शनिवार को चुन लीजिए चार शनिवार होंगे एक शनिवार को छायादान अवश्य कराइए या तीन माह पर एक बार कराइए तो छायादान करवाइए छायादान की विधि में हमेशा बताता था तो तो सरसों तेल में अपना चेहरा देकर के दान कर देना तो वो करवाइए और साथ ही साथ सूर्य की और अधिक से अधिक आराधना करें सूर्य सेल्फ है निज प्राण उसी की रक्षा हमें करनी है तो सूर्य की आराधना करने से इनको फायदा मिलेगा स्वर्ण भस्म का सेवन भी अगर ये कभी कभार किया करें विशेष करके रविवार के रविवार तो इनके स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानी थोड़ी बहुत मुझे दिखाई पड़ रही है चतुर्थ भाव शुक्र का घर है और उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है तो ये जो थोड़ी बहुत परेशानी उत्पन्न हो सकती है उसमें भी अंतर आ जाएगा तो स्वास्थ्य से संबंधित जो छोटी मोटी परेशानियाँ हैं वो भी इनका दूर हो जाए तो आप यही कराइए प्रत्येक सोमवार को दूध ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करें थोड़ा सा उसमें जल भी मिला लें और शिवलिंग पर अर्पित करें तो शिव जी की आराधना से जो भी आयु से संबंधित छोटी मोटी परेशानी मुझे दिखाई पड़ रही है भोलेनाथ की आराधना करने से वो समस्या दूर होगी महामृत्युंजय मंत्र का जब ये स्वयं से भी किया करें समय निकाल करके या समय समय पर पंडित जी से इनके लिए करा दिया करिए और सबसे जरूरी है आशीर्वाद इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम उपाय है जो कि मुफ्त में है लेकिन बेहद कारगर है और वो है क्या आशीर्वाद आशीर्वाद लें ब्राह्मण का देव का गुरु का चलते फिरते जो बड़े बुजुर्ग मिले उनका आशीर्वाद लें कब किसके मुख पे सरस्वती का वास हो और कब किसके मुख से निकल जाए आयुष्मान भव पर्याप्त हो जाएगा तो प्रिय दर्शकों ये थी जन्म कुंडली एक व्यक्ति की आपने इस जन्म कुंडली को देखा क्या कहना चाहते हैं आप इस जन्म कुंडली के संदर्भ में स्वागत है आपका कमेंट में अपनी राय अपने विचार कमेंट में आप अवश्य ही लिखिए ताकि ये पढ़ें जाने और अपनी जो कमी है उसको दूर करें आज के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार